दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है कि वीडियो अच्छी होने के बावजूद भी ऑडियो क्वालिटी खराब होने के कारण हम उस वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो आज मैं आपसे एक ऐसे ही माइक के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे कि आप अपने फ़ोन या फिर DSLR में लगा कर ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं बता दूँ कि इस माइक को कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी यूज़ किया है, जैसे योर इंडियन कंज्यूमर, मुंबई कर निखिल और बहुत सारे लोगों ने। तो पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर मैं कुछ ऑडियो सैंपल्स आपको दिखाऊंगा और उसके बाद लास्ट में मैं इसकी कुछ अच्छी बातें और बुरी बातें भी बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेक्निजा टीवी। इस प्रोडक्ट को मैंने अमेज़न के थ्रू मंगाया था, तो अमेज़न के थ्रू हमें पैकेजिंग कुछ इस तरह से मिली थी। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट को। ये रही इसकी वारंटी कार्ड, हमें इसके साथ मिलती है 2 साल की वारंटी। अब जरा हम बॉक्स को सामने से देख ले। साइड में इस प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, पीछे के साइड आपको स्पेसिफिकेशन अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलेगी और उसके साइड में फिर एक माइक की आपको DSLR के साथ पिक मिलती है। अब हम जरा बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देख लेते हैं कि बॉक्स के साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो पैकेजिंग आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। तो पैकेजिंग काफ़ी लाजवाब है। इसके साथ आपको सबसे पहले मिलता है एक सिलिकन का पैकेट और उसके साथ ही कुछ पेपर वर्क्स जिसमें कि माइक यूज़ करने के तरीके को बताया गया है। अभी जो आप देख रहे हैं इसे यूज़ करके हम इस माइक को DSLR पर माउंट कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। और इस साथ ही मिलता है 3.5mm का एक वायर, डेड कैट जो कि विंड नॉइज़ को रिड्यूस करता है, जिसे आप धो भी सकते हैं आसानी से, और साथ ही माइक जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मेटालिक फील देती है और मेरे ख्याल से यह मेटल का ही बना हुआ है। अब मैं इस माइक को DSLR से डिस्कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद फिर जो मेरी आवाज़ आएगी वो डायरेक्ट DSLR से आएगी। तो आप ऑब्जर्व करें कि क्या चेंजेस है इस माइक में और DSLR के माइक में। अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो डायरेक्ट DSLR के माइक से रिकॉर्ड किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है रोड के इस माइक से और DSLR के इस माइक। अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो रोड के माइक के थ्रू है और अभी मैंने फ़ैन को पूरी तरह से ऑन कर रखा है। अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो DSLR के माइक से और मैंने फ़ैन पूरी तरह से ऑन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं विंड नॉइज में क्या डिफरेंस है DSLR के माइक में और रोड माइक में। अब मैं आपको इस माइक की कुछ अच्छी बातें और बुरी बातें बताने वाला हूँ। तो इस माइक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है और ये DSLR में काफ़ी अच्छी तरह से माउंट हो सकता है। तो आप अगर एक व्लॉगर हैं और बाहर जाके YouTube वीडियोस बनाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इस माइक के साथ आपको एक डेड कैट भी मिलता है जो कि विंड नॉइज़ रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। आप देख सकते हैं कि इस माइक के साथ हमें 2 साल की वारंटी मिलती है, कोई बैटरी हमें नहीं यूज़ करनी पड़ती है इस माइक के साथ। अभी तक के यूज़ में अगर इस माइक की कोई बुरी बात मुझे लगी है, फिर कोई कमी मुझे लगी है, तो वो इसके माउंट में है जिसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं है। मुझे उम्मीद है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और ये टूट जाएगा। तो एक ही चीज़ है इसकी बुरी बात, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका रफ़ यूज़ ना करूँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चलाऊँ। दोस्तों, इस माइक की मार्केट प्राइस का तो पता नहीं, पर अमेज़ॉन से मैंने इसे लिया है 4,900 रुपये में। तो आप भी इसे ले सकते हैं अमेज़ॉन से या फिर किसी भी और वेबसाइट से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्मीडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए मैं शुभम कुमार झा आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियोज़ के साथ।